हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और हाँ, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि ये जो सब्सक्रिप्शन है टोटली फ्री है। इसके लिए कोई भी पैसा आपके अकाउंट से या आपके मोबाइल से काटा नहीं जाता। बट इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये सब्सक्रिप्शन आप लेंगे एंड साथ में जो ऑल टाइप है उसको आप उस बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे, तो आपके जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, आई मीन जिस चैनल में आपका इंटरेस्ट है या जिस चैनल को आप फॉलो करते हैं, जिस भी रीजन से फॉलो करते होंगे, उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन के थ्रू। इसीलिए आप बिल्कुल वेस्ट टाइम मत, मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए। आप जल्दी से आपका पसंद का चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ताकि आप हमारे चैनल का व्यूअर्स है तो डेफिनेटली आपको ये चैनल कुछ ना कुछ सिखाता होगा। एंड और कुछ सीखना चाहते हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड वीडियो लेके आई हुई हूँ। डेफिनेटली इसमें वैकेंसीज का खबर है, उसके साथ साथ आपका बहुत कुछ जानकारी हम देंगे ताकि आप कभी भी वैकेंसीज आए उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे या क्या करेंगे उसके विषय में एक प्रॉपर थोरो नॉलेज आप में आए। क्योंकि कई टाइम आप हमें पूछते रहते हैं कि इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है या उस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है। हालांकि मैं बता देती हूँ, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहता है जिसका आंसर सही टाइम पर शायद आपको नहीं मिलता। तो मेरा कोशिश ये रहेगा इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि एविएशन इंडस्ट्री में कैसे कैसे वैकेंसीज आता है, किन कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते। मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ एविएशन रिटेल के बारे में, आई मीन एयरपोर्ट रिटेल के बारे में, कि एयरपोर्ट में जो नौकरी करना चाहते हैं उसके लिए खाली यही नहीं है कि आपको कोई ना कोई एयरलाइंस के थ्रू ही एयरपोर्ट में काम करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग डिफरेंट वे में एयरपोर्ट के एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। बिकॉज एयरपोर्ट खाली टिकटिंग एंड रिजर्वेशन का काउंटर ही नहीं है, एयरपोर्ट आज के दिन में एक बिजनेस स्पॉट है। वहाँ पे देश विदेश का हर ब्रांड आता है एंड उसी के साथ साथ जो जिस एयरपोर्ट में जितना मतलब अच्छा अच्छा ब्रांड होता है या जितना अच्छा अच्छा फूड रिटेल कंपनीज आता है, उसी एयरपोर्ट को उसी के हिसाब से भी एक रैंकिंग का भी एक प्रोसीड्योर होता है कि कौन से एयरपोर्ट में कितना फैसिलिटीज़ मिलता है एंड कौन से एयरपोर्ट नंबर वन या नंबर टू एयरपोर्ट होंगे। इससे पहले मैंने एक रिटेल के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने आई मीन एयरपोर्ट रिटेल के ऊपर, आप लोगों ने जिन्होंने देखा नहीं है आप उनको देख सकते हैं। देखिए, रिटेल इज़ अ वेरी बिग पार्ट। ऐसा नहीं है कि रिटेल एक कोई सेकेंडरी है या फिर किसी को टिकटिंग रिजर्वेशन में काम नहीं मिलता है उसके लिए ही वो रिटेल में जाएगा, उसी का पोस्ट में दोनों का कोई अंतर नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो CSA फॉर द टिकटिंग रिजर्वेशन, ये लोग भी रिटेल में CSA होते हैं, ऐसे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसे प्रमोशंस होता है, ड्यूटी ऑफिसर, ड्यूटी मैनेजर, डिफरेंट जो पोस्ट आता है उसी के हिसाब से रिटेल में भी वैसे ही पोस्ट्स है एंड वैसे ही आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आपका एक प्रॉपर जानकारी कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर कि आप इसमें किस ब्रांड या किस टाइप के रिटेल में आप इंटरेस्ट रखते हैं, क्या फूड रिटेल में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या आप फैब्रिक रिटेल में इंटरेस्ट रखते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अपना नेक को मतलब जज करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से यू कैन अप्लाई। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं तो ये भी बोलूँगी कि एयरपोर्ट में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले जिसमें भी आपको मिल रहा है उसी में आप अप्लाई करिए। एयरपोर्ट रिटेल का एक सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम कंपनी से 10+2 लेते हैं विथ कम्युनिकेशन स्किल, एंड इसमें भी थोड़ा सा छूट दिया गया है। कुछ कंपनीज है जो कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा आपको अच्छा होना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत कम भी होता है तो चलता है। बट येस, कुछ कंपनीज डेफिनेटली है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा। आज मैं जिस कंपनी के विषय में आपसे बात करूंगी, दैट इज दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुकी हूँ एंड एयरपोर्ट में इस कंपनी की तरफ से बहुत जॉब ऑफर किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि दिव्यानी इंटरनेशनल के बारे में शायद बहुत सारे लोगों को आपको जानकारी नहीं है। एक छोटा सा ब्रीफिंग मैं आपको दे रही हूँ कि दिस कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1991। इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है RJ ग्रुप लिमिटेड एंड इनका जो
सब्सिडियरी कंपनी है दिव्यानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी सारे है, ये सारी कंपनी एयरपोर्ट में खाली नहीं है, डिफरेंट जगह पे काम करते हैं। यस, एयरपोर्ट का बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस चैनल में मोस्ट ऑफ द टाइम एयरपोर्ट का वैकेंसीज के बारे में ही बात करते हैं। देखिए, हु इज दिव्यानी, दिव्यानी कौन है? दिव्यानी जो ग्रुप है, दे आर द लार्जेस्ट बॉटलर ऑफ पेप्सिको विथ इंटरेस्ट इन फूड, डेयरी, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एजुकेशन। इंडिया एंड इंडिया के इंडिया को छोड़ के भी बहुत सारे कंट्रीज जैसे नेपाल, नाइजीरिया में इन लोगों का करीब 500 प्लस रेस्टोरेंट्स है। इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पिज़्ज़ा हट, KFC एंड कोस्टा कॉफी का लेके रखा हुआ है। इनका खुद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ब्रांड है वैंगो, साउथ इंडियन खाना यहाँ पे मिलता है। एंड इनको भी लेके इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके इनको प्रमोशंस करने के लिए दे आर क्वाइट रेडी। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग ग्रुप। एंड सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बोलूँ कि ये जो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये जो फूड कोर्ट्स है इनका एंड लॉन्जेस जो है, ये दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रायपुर, श्रीनगर, लखनऊ एंड त्रिची एयरपोर्ट में एंड सेवरल हॉस्पिटल्स एंड मॉल्स में है। इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इनका वेबसाइट है www.rjcorp.com। मिस्टर वीरक जोशी इज द प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीईओ ऑफ दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। अब मैं बताऊं कि आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला हुआ है जिसमें दिव्यानी इंटरनेशनल में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। आप उनको ज़रूर देखिए। मैं कंपनी के वेबसाइट से ही वो लेके आपको आपके सामने रखी हुई हूँ क्योंकि आपका बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलता। नाउ आई वॉन्ट टू से दैट कि दिव्यानी इंटरनेशनल कैसे एयरपोर्ट में काम करते हैं। यस, दिव्यानी इंटरनेशनल में टर्मिनल 1, 2, 3 सब जगह पे इन लोगों का आउटलेट्स है, जैसे एयरपोर्ट के अंदर भी है, एयरपोर्ट के बाहर भी है। एंड इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसके लिए आपको 10+2 पास करना पड़ेगा। आपको हिंदी एंड इंग्लिश में कम्युनिकेशन समझना एंड बोलना आना चाहिए। एंड इसके साथ मैं आपको बोलूँ, अगर इंग्लिश आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो इन लोगों के पास विस्तारा एंड कई एयरलाइंस कंपनीज का लॉन्जेस वगैरह है, वहीं पे VIP बेस्ड गेस्ट्स आते हैं तो वहीं पे भी आपका ड्यूटी पड़ेगा। तो मेन थिंग्स डिपेंड जो करता है वो आपका कम्युनिकेशन के ऊपर भी, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आप जैसे जैसे अपना इंटरव्यू देंगे उसी के हिसाब से आपको इस चीज़ का मिलेगा। जैसे अगर लॉन्जेस में आपको मिल जाएगा तो आपको इनिशियली 16,000 प्लस सैलरी होगा, खाना आपका फ्री मिलेगा, आपका आने जाने का जो कैब है वो उन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। एंड देर आर लॉट ऑफ स्कोप्स बिकॉज जो चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इसका एंड द स्काई इज द लिमिट। तो इसीलिए अगर आपको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए सो डेफिनेटली इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जो लोग जैसे कई बार डिफरेंट एयरलाइंस का इंटरव्यू दे चुके हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपने इंडिगो के इंटरव्यू दिया है, फिर कम्युनिकेशन की वजह से आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है, इसके वजह से आपको नहीं मिला चांस, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर द CSA रिटेल। कई CSA रिटेल है जिसमें उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम होने से भी चलता है। सो यू कैन स्टार्ट योर करियर इन एविएशन एंड ग्रेजुअली अगर आप इसके थोड़ा सा भी आप इनमें प्रैक्टिस कर ले या फिर एक्सपीरियंस ले ले, सो बाद में आप कभी भी कहीं। एंड जो बात मैं बोल रही थी कि ये एक्सपीरियंस आगे के दिन में बहुत काम आएगा आपका करियर रेवेन्यू के लिए। चलिए, बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो में, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आप कम्युनिटी टैब देखिए, वहीं पे जो मैंने पोस्ट डाला हुआ है उसी को देखिए, वहीं पे भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।